असलकम महमदून सी रसूल करकरीम शाहरुम मौदानलवीफ़ीक्रनसीबीना तमिनदलफ़ुर नाजरीन अल्लाह तबारक़ा क़रन पाक में इर्शात फरमाता है कि रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें क़ुरान पाक नाजिल किया गया यह क़ुरान पाक जो हक व बातिल में फ़र्क पैदा करता है और हिदायत देता है इंसानों को नाजरीन रमज़ान के हवाले से ख़ूस नशरियात आपके सामने पेश की जा रही हैंतवे एम सी एन और आफ्ताब फ़िल्म की जानिब से वक्त सहर आपके रूबरू पेश किया जा रहा है जिसमें शहर के मुमताज़ कारी हजरत, हजरा किराम, मुख्तलिफ मौजूद पर प्रोग्राम पेश करेंगे इसमें तिलावत होगी हमदो नात होगी मुख्तलिफ मौजूद पर तकारीर पेश की जाएगी नाजरीन आज हमारे दरमियान हमारे स्टूडियो में कारी अब्दुल्ला मार्कोनी साहब मौजूद हैं

<chat> إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً يرجون تجاره لم تبوء ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيا من معدو ذات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وانت. تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم. अभी जो कारी साहब ने तिलावत फरमाई है उसका तर्जुमा मैं पेश कर रहा हूँ अल्लाह रबुल्ज़त का इरशाद है अ ईमान वालो तुम पर रोजे फ़र्ज कर दिए गए ऐसे ही जैसा कि पहले के लोगों पर रोजे फ़र्ज कर दिए गए थे शायद कि तुम तखवा इख्तियार करो ये रोज़े के चंद दिन हैं जो इसमें एक सहूलत ये है कि जो मरीज हो या बीमार हो तो वो उन रोज़ों को दूसरे और दिनों से उसकी भरपाई कर ले और फिर जिसमें इस्तात है कि वो फिदिया दे सके तो वो बजाय रोज़ा रहने के एक गरीब आदमी को खाना खिला दे और फिर इर्शाद रब अल्लाह रब का कि अगर तुम रोजा रहो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है रमजानुल मुबारक का महीना वो है जिसमें कुरान मजिद नाजिल किया गया इसके अंदर दलायल हैं, हिदायत की और मुजात हैं बस जो कोई हाजिर हो इस महीने में उस पर लाजिम है कि वो रोजा रहे और अलबत् जो मरीज है या सफर पर है तो इसकी गिनती और दिनों से कर ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे आसानी सहूलत नरमी चाहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे दुश्वारी तकलीफ ये बिल्कुल नहीं चाहता इसलिए यह सहूलत दी गई ताकि तुम पूरी कर लो गिनती को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करो ऊपर जो हिदायत दिया तुमको शायद कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करो इसकी थोड़ी सी मैं तशरीह और करना चाहता हूं यानी रोजा यानी दिन भर खाने पीने और जिमा करने से रुकने का नाम है ये इस्लाम का रुकन है रोजा फर्ज़ आइन है अगर ना रहे तो गुना लाजम आ जाता है अगर बीमारी और मुसाफिरी की हालत हो तो इसकी भरपाई और दिनों में करने की इजाजत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदारों के लिए बड़ी बशारतें फरमाई हैं फरमाया है कि रोजा रोजा रखना सब्र है और सब्र का

रोजा करेगा और अल्लाह ताला से बोलेगा या अल्लाह ये मेरे लिए भूखा प्यासा रहा अपने ख्वाहिश से अपने जान को रोका रहा और तो इसको जन्नत में दाखिल कर दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस, इसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और फिर ये रही बात रोजे की फजीलत और उसकी ताकत की अब इसके बारे में मैं कुछ तिबी फवाद भी कहना चाहता हूँ सबसे कमतर फायदा यह है कि उससे मेरे की असलाह होती है मेदा वो चीज है जिस पर इंसान की जिंदगी और उसकी सेहत और का दारदार है आमतौर पर लोग ग्यारह महीने तक खूब खाते पीते रहते हैं और उससे उनका मेदा खराब हो जाता है मुसलसिल मेदे पर बार गुजरता है मेहनत गुजरती है ये तवील मेहनत मेदे को थका देती है और इस चीज की जरूरत महसूस होती है कि ये कुछ आराम कर ले तो मेदे को आराम किस वक्त मिलता है जबकि वो रोजा रहता है और जब रोजा रहेगा तो उसके बाद में फिर से ताजा दम हो जाएगा और आगे आ, आगे फिर के अयाम में उसको जो है ना मेहनत करने की जो है ना उसके मौजूद होगी और ताकत आ जाएगी और ये उसका बड़ा फायदा है रसूल स्यलार ने इर्शा फरमाया कि मेदा, मेदा बीमारी का घर है और इस पर परेस करना बहुत लाजिम है वो ये मोहत्म बिशान हदीस है जिस पर तमाम उलूम तिबिया मुनसर है आमतौर पर देखा जाता है कि तबीब अपने यानी मरीज को खा, कम खाने की ये तरकीब देता है और कभी ये करता है कि वो भूखा रहना उसके लिए ठीक है और परेज बतलाते हैं और परेज ही बेहतरीन उसका इलाज है दूसरी बात यह है कि दूसरे फवाद नफ्स को कंट्रोल करना ख़ाबू में लेना और उस पर अल्लाह और रसूर की इता करने के लिए उसको ताबेदार बनाना ये ख़ास बात है है ये बुराई से रोकता है आदात व अखलाक में शाइगी और नरमी पैदा होती है महताज मुफलिस गरीबों के तरफ भी उसका ख्याल जाता है जब उसके पेट में कुछ नहीं रहता तो उसको तड़प भूख की लगती है जब खुद भूखा रह जाता है तो भूखे लोगों की तरफ उसका ख्याल जाता है कि ये भी लोग भूखे रहते हैं इन पर भी ये मुसीबत गुजरती है तो तब उसके दिल में रहम आ जाता है और फिर वो कोशिश करता है कि इनकी मदद करना चाहिए और फिर उसको सब्र करने की आदत होती है सख्ती बर्दाश्त करने की आदत होती है वो सब्र करता है और उसके बाद में उस पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है वो मुनामे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और उसका शुक्र करना ये इसके दिल के अंदर आ जाता है ये वो औसाफ है जिससे इंसान कामिल इंसान कहलाता है और मेदे को आराम देने के लिए दूसरे मजाहिब में भी इसका इसकी रियायत कर दी गई है मसलन उपवास का करना और अंग्रेजी के अंदर भी एक मुहावरा है मिस एक हफ्ते में एक एक खाना जो है ना तर्क कर दीजिए इस किस्म से दूसरे भी और बातें हैं तो रोजा दीगर नंबर एक सेहत की हिफाजत करता है नंबर दो नफ्स की असलाह करता है नंबर तीन हमदर्दी की तालीम देता है नंबर चार सब्र इस्तला पैदा कर देता है नंबर पांच शुक्र इलाही की तहरीक उसके दिल के अंदर उजागर हो जाती है नंबर छह सरासर बरकत ही बरकत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है और ये इसके अंदर बड़ी हमतें हैं उस पर अमल करना दीन और दुनिया दोनों जहां का में भी है इतना कहकर मैं आपसे जिदा होता हूँ नाजरीन यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक कहीं मत जाइए अभी हाजिर होते हैं चप्पल जूते शूज सैंडल सबसे अच्छे पाओ शू मार्ग की दुनिया में एक बार चले आओ शू मत शू शू शुमार शूज सैंडल चप्पल सब कुछ मिलता है यहाँ आपके ही कदमों में फिर है सारा जहाँ हर कदम आपका शान से बढ़ाओ शू मार्ग की दुनिया में एक बार चले आओ शुमत गोन रेड चिप चिप लिबर की बाट का एक्शन हाइट लखानी के जूतों की एक बार आजमाओ शो की दुनिया में एक बार चले आओ शुमर्ग शुमर्ग शुमार आपके लिए हाजिर है फुटवेयर की एक अनोखी दुनिया शुमार हर तरह के शूज सैंडल्स चप्पल दुल्हन के लिए जोड़े दूल्हे के लिए जूती और बहुत कुछ शो त्रिमूर्ति चौक जवाहर कॉलोनी औरंगाबाद नाजरीन ब्रेक के बाद आपका सहरी टाइम में इस्तकबाल है अब हमारे सामने औरंगाबाद शहर की मशहूर शख्सियत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी गोशे सीरत पर रोशनी डालेंगे बसमिल्लर रही नहमदहू अनुसल आल रसूल करीम अम्माबाद गुफ्तु कानवान हैजूर अक्रम सल्ह वसम की हयात तयबा कामिल इंसानों के लिए नमूना अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तमाम इंसानों की हिदायत के खातिर हुई थी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी किताब हिदायत नाजिल फरमाई जिसके बारे में फरमाया, हुदल मुत्तकीन हिदायत है मुतियों के लिए और इस हिदायत याबी में अल्लाह ने इंसानों की नजात का मुकम्मल सामान रखा जिस तरह कुरान करीम अल्लाह ताला के अहकाम का मजमू हैजूर अक्रम सम की ज़िंदगी और आपकी सीरत उसका अमली तफसर और नमूना है ये बात मज़ीद वाज होकर हमें इस रिवायत से समझ में आती है कि चंद साहब कराम उमिन हज़रत आयशर रजी अल्लाह तह के पास में तशरीफ़ ले गए और उनसे आपके अख़लाक के मतलब दरियात फरमाया तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह तह ने फरमाया क्या तुमने क़ुरान नहीं पढ़ा अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो कुरान करीम का अमली नमूना थे कान गर्ज जो शख्स कुरान अमल करना चाहता हो उसके सामने अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक अमली नमूना है इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना यकीनन तुम्हारे लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है और सूरह कलम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नक लअला खुलुक इन अजीम बेशक आप तो अखलाक के आला तरीन मेयार पर हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी का हुक्म बेशुमार मौक़ों पर अल्लाह ताली ने क़ुर शरीफ़ में दिया है चुनानचे इरशाद बारी है व माँ आता खुमर रसूल फज़ज़ू वामा नाह मन हो फन कि रसूल जो तुम्हारे पास में लेकर कर आए उसे इख्तियार कर लो और जिससे वो मना कर दें उससे रुक जाओ और दूसरी जगह इरशाद है कि आती आती वाति रसूल और एक जगह इर्शाद है कि मैतल आता अल्लाह के जिसने रसूल की इतात की उसने अल्लाह की इतात की और रसूल वसल्लम की ताबेदारी में खुशखबरी हमें यूँ सुनाई गई कि व मैत अल्लाह व रसूल फ़कद फ़ाज़ा फ़ौज़ा नाज़ीमा के जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इतात की वो एक अजीम कामयाबी से हमकिनार हुआ और एक जगह तो हजूर वसल्लम की बात मानने और आपकी बात पर सरे तस्लीम खम कर देने को ईमान की शर्त बतलाया गया तुम्हारे रब की कसम वो मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि वो अपने निज़ा इमाम में आपको हकम व फैसल तस्लीम न कर लें और आप जो फैसला कर दें उसके बारे में अपने दिल में कोई कजी महसूस न करें और सर तस्लीम खम कर दें हजूर अक्रम सल्हसम ने जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें हमारे लिए रहनुमाई फ़राहम न की हो एक रिवायत में आया है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ल्ल त से बाद मुशरकों ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारे पैगंबर तुमको हर चीज़ की तालीम देते हैं यहाँ तक कि इसकी भी कि तुमको क़़ाए हाजत किस तरह करनी चाहिए हज़रत सलमान फारसी ने नहायत फख्र के साथ में कहा हाँ ये सच है कि हुजूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये हुक्म दिया है कि हम ऐसी हालत में कबल रुख न बैठें और अपने दाने हाथ से तहारत न करें और ना ही तीन ढेलों से कम तहारत के लिए इस्तेमाल करें और ना ही कोई ऐसी चीज़ इसतंजा के लिए इस्तेमाल करें कि जिसमें हड्डी और गोबर हो एक मरतबा साहब कराम ईरानी सिपाह सालारों खान पर मधु थे किसी सहाबी का लुकमा गिर गया और उन्होंने उसको उठाकर खाना चाहा तो फौरन उनमें से किसी ने उसको टोक दिया इस पर उस साहबी ने उनसे जो बात कही वो सहाबा के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल आवरी और आपकी इतायत शियारी और ताबेदारी का नमूना पेश करती है उन्होंने कहा कि क्या मैं अपने महबूब की सुन्नत इन बेवकूफ़ों के लिए छोड़ दूँ ये हुजूर की इतबा का एक नमूना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वदा के मौके पर फरमाया था कि मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ी हैं जब तक तुम उन्हें मजबूती से थामे रहोगे हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे और एक तवील हदीस में जिसमें हज़रत जब्रैल की आमद का हज़रत तस्कर हज़रतमर रज़ील् तैन ने फरमाया कि एक अजनबी शख़्स आया जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल किए जिसके ऊपर सफ़र के आसार नज़र नहीं आते थे और वो मकामी आदमी भी मालूम नहीं होता था उन्होंने आकर ईमान इस्लाम और क़्यामत के मुलिकजूर सचन सवाल किए और आपके जवाबत पर वो ये कहते रहे कि आपने सच कहा उनके जाने के बाद हजूर अक्रम फरमाया कि ये जबरइन थे जो तुम्हें तुम्हारा दिन सिखाने के लिए आए थे इस रिवायत से भी ये बात अख्ज होती है कि हजूर अक्रमली व् की हिदायत का सरच्मा है आपकी बातें अफाल सीरत और किरदार किरदार का, का एक अमली नमूना है चुनानचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में खास तौर से आपने कमज़ोर तबकात की मदद फरमाई उनके हकूक़ वाजह किए उन पर होने वाले ज़ुल्म सितम को रोका ग़ुलामों को आज़ाद कराया आपने नेकी का काम बताया और उनके मालिकों को उनके हुस्न सलूक की तरगीब दी और इसी तरह तमाम इंसानों के हक में हमदर्दी भाईचारगी ख़दमत खलक़ और हमसायों और पड़ोसों की मदद और इमदाद की तालीम आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा आप इंसानों के लिए देते रहे बेशक हमारे लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वम की हयात तयबा और आपकी सीरत कामिला में ज़िंदगी का हर गोशा पन्हा है और आपकी ज़िंदगी हमारे लिए काबिल अमल और काबिल नमूना है अल्लाह ताला हम तमाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के आन मुताबिक और आपकी सुन्नतों के मुआफिक अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए वामा जालिका अल्लाव अजीज़ व वाहिरवाना अनिलदिल्ल रबी नाजरीन अब हम सवाल जवाब की तरफ आते हैं सबसे पहले सैयद अजहरुद्दीन जानना चाहते हैं कि रमज़ान में ख़ास तौर से कौन कौन सी इबादतों का अहतमाम करना चाहिए भाई अजहरुद्दीन रमज़ान मुबारक यूँ तो उसकी तमाम घड़ियाँ इबादतों की हैं और आपकी मुराद अगर इबादतों से कौन कौन सी इबादत की जानी चाहिए क्या कोई ख़ास इबादत इबादतों की तरफ है या फिर आप ये चाहते हैं कि ख़ास तौर से रमज़ान में किन इबादतों का ज़्यादा एहतमाम किया जाना चाहिए देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने यूँ तो नमाजों का एहतमाम रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा किया है और नमाज तरावी का अहतमाम बीस रकात जो अदा की जाती है इसके अलावा तहज्जुद मज़ीद नवाफिल फ़रज़ के साथ साथ सन्नतें और नवाफिल इसके अलावा तिलावत क़ुरान करीम ज़िक्र शुक्र और मस्जिद में रह कर अल्लाह की याद उसका खौफ नेकी की रगबत और इंसानों के लिए ख़ास तौर से हमदर्दी इस तरह के जज्बा से इंसान अगर इस माह में मामूर रहेगा और उसका दिल हमेशा अगर अल्लाह के नमतों पर शुक्र गुज़ार रहेगा तो रमज़ान की नेकियों की बरकत से उम्मीद है अजहर भाई कि आने वाले आइंदा ग्यारह महीनों में वो इसी तरह ज़िंदगी गुजारता रहेगा जैसे कि ज़िंदगी उसने रमज़ान मुबारक में गुजारी है बशीर अहमद ख़ान का सवाल है कि रमज़ान में क्या किसी शख्स के इक्तीस रोज़े भी हो सकते हैं मेरा ख्याल है कि शायद इनके सवाल करने का मतलब ये है कि एक शख्स अगर किसी ऐसी जगह पर रहा करता था जहाँ उसने चाँद देख लिया था और वो चलकर किसी एक ऐसी, ऐसी जगह पर पहुँचा कि जिस रोज़ उसने चाँद देखा था उस दिन उस जगह पर चाँद दिखाई नहीं दिया क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूँ हुक्म है कि सोमोली रुईयती वफ़तर उली रुईती के, के चांद देख कर रोज़ा रखो और चांद देख कर रोज़ा ख़त्म कर दो चुनाचे उन्होंने एक ऐसी जगह पर चांद देखा है जहाँ चाँद नज़र आया मिसाल के तौर पर वो किसी गल्फ़ कंट्रीज में थे और वहाँ उमूमन एक रोज़ या दो रोज़ पहले रमज़ान शुरू हो जाते हैं तो वहाँ वो एक रोज़ा रख कर आए और हिंदुस्तान पहुँचे और यहाँ एक रोज़ बाद रमज़ान शुरू हुआ तो यहाँ पर भी तीस रोज़े हुए और वहाँ पर भी तीस हुए या उनतीस हुए लेकिन उस आने वाले शख्स का एक रोज़ा बढ़ रहा था कि वो 31वें रोज़े में दाखिल हो रहा था मेरा ख्याल है कि शायद सवाल करने का मकसद यही है अगर यही उनका मकसद है सवाल का तो भाई बशीर यह आप जान लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोज़े जो फरमाए और महीना जो मुतय्यन फरमाया आपने इशारा करके फरमाया अपनी उंगलियों को कि अश्शरु हा कज़ा हा कज़ा व हा कज़ा यानी या तो महीना उनतीस का है और फिर आपने फरमाया कि अश्शरु हा कज़ा हा कज़ा व हा कज़ा या फिर तीस का है तो इकतीसवा रोज़ा जो उनका हो रहा है वो इकतीसवें दिन पे रोज़ा नहीं रखेंगे वो इफ्तार कर लेंगे यानी रोज़े से नहीं होंगे लेकिन वो बाहर सड़क पर घर से बाहर न कोई चीज़ खाएँ न पिएँ ना होटल में जाएँ न बैठें बल्कि जो कुछ उन्हें खाना पीना अपने घर में खाएँ अलबत् वो नमाज़ ईद तमाम लोगों के साथ ही एक रोज़ बाद अदा करेंगे इसलिए कि उनके तीस रोज़े हो चुके हैं और तीस के बाद अब इकतीसवा रोज़ा नहीं होता इसलिए कि कोई महीना इकतीसवा इस्लामी महीना नहीं होता अब्दुल्ला भाई सवाल करते हैं कि किन हालात में रोज़ा छोड़ सकते हैं शरा वजूहत बताइए अब्दुल्ला भाई वजूहत तो बहुत सारी पेश आ सकती हैं और छोड़ सकते हैं का मतलब ये है शायद आपके कहने का कि किन हालात में रोज़ा न रखने की इजाज़त है अगर ये मकसूद आपके सवाल का है तो क़ुरान करीम ने बयान किया है कि अगर आपको सफ़र दरपेश है और सफ़र में चूंकि उमूमा इंसान परेशान हाल होता है इंतज़ाम उसके नहीं हो पाते तो सफ़र के हालात में वो रोज़ा न रखे बल्कि इस रोज़े की तकमील वो रमज़ान मुबारक के बाद में कर ले इसी तरह अगर वो बीमार हो गया सख्त बीमार हो गया या उसकी तबीयत साथ नहीं देती या कोई आजकल जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं मिसाल के तौर पे कोई शख्स शुगर का मरीज़ होता है और शुगर उसको बहुत परेशान करती है गला देती है तो इन हालात में ये भी एक बीमारी की किस्म है ये वो हालात हैं कि जिसमें अगर वो रोज़ा ना रखे तो वो रमज़ान मुबारक के बाद में रोज़ा रख रक, रखेगा अलबत् सफ़र में सिर्फ क़़ा करेगा लेकिन दूसरी सूरतों में वो कज़ा भी करेगा और साथ ही साथ उसका एक फिदिया भी वो अदा करता रहेगा अब्दुलरहमान पूछते हैं कि मुंह भर कह होने से क्या रोज़ा टूट जाता है भाई अब्दुलरहमान मुंह भर कर कह हो या आधे मुंह हो कय होने से रोज़ा नहीं टूटता कय करने से रोज़ा टूटता है और इस फ़र्क को आप मलहूज़ रखें कि कय हो जाना एक तबयही चीज़ है और काय करना एक गैर तबयही चीज़ है अगर कोई काय करता है करने का मतलब यह है कि वो हलक में उंगली डालकर या कोई चीज़ डालकर ज़बरदस्ती के जो है पेट में से कोई चीज़ निकलवाना चाहता है तब तो उसका रोज़ा टूट जाएगा अलबत्त काय हो जाती है भले वो मुँह भर कर हो तब भी रोज़ा उसका बरकरार रहता है रोज़ा टूटता नहीं है सफीउद्दीन जानना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स जानबूझकर कर रोज़ा तोड़ दे तो उसका कफ़ारा क्या है भाई सफीउद्दीन, एक बात तो जानना चाहिए कि रमज़ान मुबारक और रमज़ान में रोज़ा वो बाबरकत चीज़ है और इतनी बड़ी चीज़ है कि हदी से पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जान बूझ कर रमज़ान का कोई रोज़ा छोड़ दे और फिर वो उस एक रोज़े के बदले में ज़िंदगी भर भी रोज़ा रख रक, रखता रहे तो भी वो रमज़ान के उस रोज़े की का सवाब और अजर और उसका जो अल्लाह ने रखा है रुतबा वो उसको पा नहीं सकता उसको हासिल नहीं कर सकता लेकिन अगर किसी शख्स से ग़लती हो गई और उसने रोज़ा तोड़ दिया तो ऐसी सूरत में क़ुरान करीम ने इसका कफ़ारा बयान किया है और तरतीब यूँ रखी है कि एक ग़ुलाम को आज़ाद कर देना चूँकि हमारे ज़माने में अब ग़ुलामों का रिवाज नहीं है इसलिए इसका बदल मा ने जो कुछ भी करार दिया है वो अलग बात है उसमें तफसील है लेकिन उसके बाद कुरान करीम ने जो दूसरा उसका कफ़ारे का दूसरा हिस्सा जो जिक्र किया वो कि दो महीने तक मुतवातिर यानी मुसलसल रोज़े रखना अगर इन दो महीनों में उसने मिसाल के तौर पर उनसठ रोजे रखे और आखिरी रोजा नहीं रख सका तो फिर अब और उसने मजीद दो महीने के मुसलसल रोजे रखना कहीं नागा ना होने पाए तब जाके उसे एक रोजे का कफारा तो हो सकता है लेकिन उस छूटे हुए रोजे का अजर सवाब इन दो महीने के रोजे रखने से भी वो हासिल नहीं कर पाएगा अगर कोई शख्स दो महीने के रोजे नहीं रख सकता तो फिर वो साठ मिसकिनों को खाना खिला दे और अगर वो शख़्स इस कदर पसमानदा है और गया गुजरा है कि साठ मिसकिनों भी खाना नहीं खिला सकता तो फिर वो अपने इस ग़लती की अल्लाह ही से माफ़ी तलब करता रहे और ख़ूब शर्मिंदा होता रहे और अल्लाह ही से दुआ करता रहे कि इस गलती की सज़ा अल्लाह उसको न दे और माफ़ कर दे तो अल्लाह बहुत मेहरबान है उम्मीद है अल्लाह तला उसकी इस गलती को माफ भी फरमा दें लेकिन जब भी ज़िंदगी के जिस हालत में वो जिस सकत में आएगा उसको इस टूटे तोड़े हुए रोज़े का कफ़ारा बहरहाल अदा करना पड़ेगा लेकिन अगर उमर ने उसको उमर ने उसका साथ नहीं दिया तो फिर वो बंदा जाने उसका रब जाने कि वो उसका मामला उसके साथ क्या करेगा नहाज्रेन ये चंद सवाल थे जिनके जवाब हतीम देने की कोशिश की गई इसमें मज़ीद और बहुत सारी बातें कही जा सकती है लेकिन वक्त की तंगी के बास हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं अच्छा फिर अब कल मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझको अब्दुलरशीद नदवी मदनी को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़ नाजरीन शहर का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है अजान फजर का वक्त हो रहा है आइए हम जा मस्जिद का रुख करते हैं الله أكبر الله